उदयपुर के माउंट आबू जाने के दौरान गोगुंदा कस्बे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एयरपोर्ट के बाहर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों ने गवरी खेलकर स्वागत किया। कर्नल की पोस्ट से रिटायर होकर लौटे झुंझुनू के मदनसर गांव के बलबीर सिंह चौधरी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। झुंझुनू के बसावा गांव के धामाड़ी धाम में चल रहे श्रीमद भागवत कथा यज्ञ महोत्सव के दौरान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। झुंझुनू के खेरड़ो की ढाणी गुड़ा बावनी में नवनिर्मित शिव मंदिर में मूर्ति की स्थापना मंत्रोच्चार के साथ हुई। इससे पूर्व ठाकुर जी के मंदिर से गाजेबाजे के साथ कलश यात्रा निकाले। कोंडरवास के श्री हरिराम बाबा धाम में स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की ओर से फतेहपुर एसडीएम दयानंद रूयल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 9वीं रैंक प्राप्त करने वाले प्रीतम जाखड़ का सम्मान किया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल ने बाबा श्याम के दर्शन किए, पूजा अर्चना करके देश में खुशहाली की मंगल कामना की। सीकर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का खंडेला पहुंचने पर स्वागत। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अपने निवास पर की जनसुनवाई। नागौर जिला मुख्यालय के राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की, विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष सरोज प्रजापत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन। नागौर के माड़ीबाई राजकीय महाविद्यालय में स्टाफ की मांग को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्राथमिक सेशन शुरू करवाने की मांग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी को ज्ञापन दिया। अमरनाथ यात्रा पर गए नागौर जिले के चार दोस्तों की हादसे में मौत, चारों के शवों का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 15 जुलाई को पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। निपुण भारत मिशन के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। टिडवाना विधायक चेतन रूड़ी ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे विधायक ने खुड़ी निम्बी में गांव में उप स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास किया। नागौर जिले के जायल में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर ने राजकीय विद्यालय को फर्नीचर स्टूल और टेबल सेट भेंट किए। अजमेर जिले के ब्यावर में कांग्रेस पार्षद गोविंद पंडित ने सभापति का पद ग्रहण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गीत उत्सव के पोस्टर का विमोचन नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित ने किया। जोताया के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सोमवार को राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक। टान टोटी से बादनवाड़ा तक जाने वाली सड़क की खस्ताहाल हालत से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रतनगढ़ क्षेत्र में इन दिनों मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। चोरू जिले में नगरपालिका की उदासीनता के चलते शहर में सफाई व्यवस्था चौपट। सरदार शहर क्षेत्र के आसा सर गांव का राजकीय विद्यालय सिर्फ 2 अध्यापकों के भरोसे चल रहा है, इसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। श्री बनेचंद सरावगी उमा आविम की वंदना सभा में 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सालासर बालाजी मंदिर में बालाजी के दर्शन किए। 12 जिले के माथना गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, झड़प में 12 से अधिक लोग घायल। 12 जिले के अंता में घरों के आगे लगने वाले गंदगी के ढेर से आमजन को भारी परेशानी हो रही है। 12 के शाहबाद क्षेत्र में कुपोषण से हुई मौत के बाद सियासत जोरों पर पूर्व विधानसभा ललित मीणा ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 12 के धूमल गांव में पुलिया पार करने के दौरान बहे 8 साल के बालक का शव 30 घंटे की मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। डूंगरपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने गुमानपुरा में कृषि महाविद्यालय की जमीन का जायजा लिया। डूंगरपुर के आसपुर में भारत विकास परिषद ने अपना स्थापना दिवस मनाया। डूंगरपुर की पादरडी पंचायत के भगोरा फूला भरतपुर में बिना मेरिट लिस्ट जारी किए चहेतों को मां बाड़ी केंद्र पर चयन करने का आरोप पीड़ित अभ्यर्थियों ने कलेक्टर से की शिकायत। डूंगरपुर जिले के देवड़ा दोवड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत फील्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण दिया। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुनील वर्ग ने अपना पदभार ग्रहण किया।
बीकानेर की पांचों पुलिस को की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के जसासर क्षेत्र में 8 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। बीकानेर के कोलायत में कृषि विभाग द्वारा एक दिवसीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। बीकानेर के लूंगरसर में रेलगाड़ी की चपेट में आने से 9 भेड़ और एक बकरी की मौत। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में लगातार हो रही वन्यजीवों की मौत को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। जोधपुर के कापरड़ा गांव में मारपीट और छेड़खानी के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के बिलाड़ा गांव में युवक के साथ मारपीट कर 1.5 लाख की लूट, 5 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा के मुख्य बस स्टैंड पर अवैध टैक्सियों के जमावड़े से यात्री परेशान, पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। पठानिया पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। लूड़ी के धुंधाड़ा गांव में शादी की दस्तूरी में चढ़ाए गए जेवरात हड़पने का मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लूड़ी के झालामंड गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गोपालगढ़ कस्बे के निजी विद्यालय में नव प्रवेशित बच्चों को खेल खेल में शिक्षा ज्ञान दिया जा रहा है। जोधपुर के बावड़ी में पुलिस ने देसी शराब के 96 पौवे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। गोपालगढ़ पुलिस ने रमेश राठ को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र में मारपीट के आरोप में एक महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में नवनिर्मित शिव मंदिर शिलान्यास संत कृपाराम महाराज के सानिध्य में किया। विधायक पब्बाराम बिश्नोई बाप क्षेत्र के दौरे पर रहे, उन्होंने हरि सिंह के परिवार को सांत्वना दी। जोधपुर के बिलाड़ा में संत कृपाराम महाराज का गाजेबाजे के साथ स्वागत। करौली के टोडा भीम क्षेत्र में अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का जत्था रवाना। करौली के श्री महावीर जी थाना पुलिस ने देसी शराब के 82 पवे के साथ तस्कर मान सिंह को गिरफ्तार किया। हिंडौन के सुरुट कस्बे में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सदस्यता अभियान समेत विभिन्न गतिविधियों को लेकर चर्चा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में ब्लॉक CMHO डॉक्टर धर्मेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाए, कस्बे में जागरूकता रैली निकाली। बांसवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन में ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत। बांसवाड़ा के सोनावासा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में विधायक कैलाश मीणा ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी को क्षेत्र में मजबूत करने पर चर्चा। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के नया तालाब में जमीन विवाद के चलते मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल। क्वान किडो चैंपियनशिप में घड़साना की अनुप्रीत ने सिल्वर और क्वांस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत निकले अग्निवीरों के पद के लिए विद्यार्थियों ने तैयारी शुरू की। श्रीगंगानगर जिले के श्रीवजनगर बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष सतीश बवेजा की अध्यक्षता में बैठक। राजस्थान में सिंगल यूज पॉलिथीन बंद होने के बाद समाज सेवी संस्था भारती ने पिछड़ी बस्तियों को महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कपड़े के थैले बनाने शुरू कर दिए। तहसीलदार पूनम गवर को देश के प्रधानमंत्री के नाम भारत की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। बाड़मेर के मेगा हाईवे पर चलते ट्रक से सामान चुराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के पास डंपर और शिफ्ट कार के बीच भिड़ंत, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। भरतपुर जिले के नदबई में नायब तहसीलदार मोहित अग्रवाल ने आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। दौसा के सोनड़ गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करने वाली कार्यकर्ता की सर्पदंश से हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 24 पर जाम लगा दी। प्रशासन के समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। दौसा के भांडारेज मोड़ पर हो रही भागवत कथा के लिए ग्रामीणों ने निकाली कलश यात्रा। सिकराय क्षेत्र के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। श्री गिरधारी लाल बोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय स्टाफ द्वारा कक्षा 1 से लेकर 6 तक के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में जनजातीय विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रावास का मंत्री मुरारीलाल मीणा और विधायक GR खटाना ने शिलान्यास किया। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में राजेश महावर ने पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी की। दौसा की लालसोट कृषि उपज मंडी में क्षेत्रीय विधायक और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने 5 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मांगलवाड़ चौराहे पर पिछले 15 दिनों से नहीं जल रही है स्ट्रीट लाइट, लेकिन शिकायत के बाद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान।
मंगलवाड़ क्षेत्र में पिछले कई दिनों से खुलेआम रात 11 बजे भी हो रही शराब की बिक्री। प्रशासन नहीं दे रहा है शराब की प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, शराब के दाम से भी ज्यादा लगा रहता। चित्तौड़गढ़ में रविवार को एक युवक के सांप के काटने से मौत। जीआरपी पुलिस ने दो मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया, दोनों के पास से चोरी के साथ मोबाइल फोन बरामद। जोधपुर के शेरगढ़ में मारपीट के मामले में नामजद युवक के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र में अनिल कुमार माले के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में पट्टा शुदा प्लांट पर अतिक्रमण करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सामान्य चिकित्सालय में आयुर्वेद विभाग ने बीएमडी जांच शिविर का आयोजन किया। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा का दौरा, कलेक्टर सभागार मिली जिला स्तर अधिकारियों की बैठक। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में परीक्षा संचालन समिति की बैठक संपन्न। सरमथरा उपखंड में खिन्नौट गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में टेम्पो सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल। बसड़ी उपखंड के नादनपुर गांव में जोरदार बारिश के बाद श्रेणी नदी उफान पर आई, इसके बाद नदी का बना पुल पूरी तरह से ध्वस्त। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक आयोजित। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में बीजेपी मंडल की कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का मामला, कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करके दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जालौर जिले में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। सैपों के राजकीय विद्यालय में पुलिस ने बालिकाओं को सशक्त मजबूत और निर्भीक बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। धौलपुर के बाड़ी में अपना घर सेवा समिति ने मध्य प्रदेश के रहने वाले आकाश को उसके परिजनों से मिलवाया। भीलवाड़ा गोमाबाई नेत्रालय नीमच द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण का शिविर का आयोजन किया गया। गांगलास गांव में बरसात की कामना को लेकर भगवान हनुमान जी महाराज की रामधुनि शुरू हुई। भीलवाड़ा के जाजपुर में चोरों ने तीन मंदिरों को बनाया निशाना, सूचना पर पुलिस पहुंची, मौके का मुआयना किया। भारत विकास परिषद शाखा गंगापुर के सचिव सुनील कुमार जोशी ने बताया कि भारत विकास परिषद के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र गीत वंदे मातरम गाया। फर्जी स्क्रीनशॉट बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप, खटीक समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। रजलावता पंचायत के बम्बुली में शमशान मूर्ति से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी, इसके चलते भजनेरी मार्ग बंद रहा। नैनवा शहर के वार्ड नंबर 15 में महादेव मंदिर परिसर के पास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। उदयपुर के फलासे थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आदिवासी युवती को बेचने के मामले में दलाल को गिरफ्तार किया, 2 साल से यह आरोपी फरार चल रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की मैराथन दौड़। उदयपुर के सायरा पंचायत समिति के सामर विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर ग्रामवासियों में खुशी। अलवर के बानसूर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। अलवर के खैरतल कस्बे में दातला गांव को जाने वाली सड़क खस्ताहाल हालत से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। बानसूर के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने गरीब महिला को आर्थिक सहायता राशि दी। दिल्ली जयपुर हाईवे अंडरपास पर जलभराव होने से आमजन को काफी परेशानी। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार की टीम ने दबिश देकर 10 लीटर हथकर शराब के साथ तस्कर को दबोचा। अलवर के बैरोड में युवाओं ने की अहीर रेजिमेंट की मांग। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जयपुर जिला देहात दक्षिण के जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बड़ के बालाजी मंदिर प्रांगण में 30 जुलाई से शुरू होने वाली भव्य श्रीराम कथा की तैयारी को लेकर आयोजन समिति की बैठक। नरेना थाना क्षेत्र में यूको बैंक में पैसे निकालवाने आए एक किसान के जेब से 50,000 पार हो गए, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। कोटपुतली के ग्राम खड़ब में संगीत में श्रीमद भागवत कथा के शुभारंभ पर 151 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कोटा के मोईकला में बकावर सीनियर स्कूल के बाहर असामाजिक तत्वों के जमावड़े से छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। मोईकला हल्का पटवारी भोजराज मीणा का स्थानांतरण बकावर करने के विरोध में ग्रामीणों ने तहसीलदार ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा जिले के रामगंज मंडी में हमाल यूनियन संघ की तरफ से जल सेवा दल को 2 ट्रॉली भेंट की। झालावाड़ के बिरिया खेड़ी निवासी विनोद पर लड़की भगाने के विवाद को लेकर विपक्ष के 12 लोगों ने फायरिंग की, फायरिंग में विनोद गंभीर रूप से घायल।
पड़ावा कस्बे के दलेलपुरा में घर की छत से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने से युवक बुरी तरह झुलसा। झालावाड़ के सारोला निवासी युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद के अपहरण की योजना बनाई और पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के कांगरोली में बैरवा सेवा संस्थान की बैठक आयोजित। राजसमंद के देवगढ़ में 13वां अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार महोत्सव का आयोजन। राजसमंद के जागरनाथ महादेव मंदिर में वरिष्ठ जनों और युवाओं की बैठक आयोजित। अखिल भारतीय विकास परिषद के तत्वाधान में विभिन्न विद्यालयों में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के भड़ौती कस्बे में दो बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में दो बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। खंडार के टावदा आंगनबाड़ी केंद्र पर शक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक मवेशी की मौत। प्रतापगढ़ में बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ हुई मूसलाधार बारिश। गोविंदगढ़ में घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को गौ रक्षक मुकेश सोकिल ने वन विभाग तक पहुंचाया। घायल मोर का इलाज किया। हाथोस के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन। महंत बाल मुकुंद आचार्य महाराष्ट्र के सानिध्य में किया। विश्वकर्मा पुलिस थाने के पास सीकर रोड पर एक सरस डेयरी के ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे के बाद लगा जाम। चौहान नगर पालिका प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से जुर्माना वसूला। टोडा राइसिंग पंचायत समिति सभागार में पीएम फसल बीमा योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन। टोंग जिले के धोनी मंदिर में दान पेटी का ताला तोड़ने का प्रयास। पुलिस मामले की जांच में जुटे। सिरोही के पिंडवाड़ा में विधायक समाराम गरासिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तीर कमान भेंट किया। सिरोही में रिमझिम बारिश का दौर जारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अंबाजी मंदिर में दर्शन किए। जैसलमेर के रामगढ़ में 166वीं वाहनी सीमा सुरक्षा बल और सीमा चौकियों पर पौधे लगाए। जैसलमेर के नौक में सोलर कंपनियों द्वारा लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। मोहनगढ़ के बांकलसर गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई में आ रही दिक्कत। देसरी कस्बे के सुमेर ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार का उद्घाटन भामाशाह शांतिलाल ने किया। पाली जिले की देसरी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 12 से ज्यादा लोगों को चालान काटे। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल संस्थान का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित।